नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ चार ऐसी लिक्विड कंपोस्ट के बारे में जो कि पूरी गर्मी आप अपने पौधों में, किसी भी प्रकार के पौधों में यूज कर सकते हैं और उसका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बहुत ही आसान है बनाना, और जितना आसान बनाना उससे कहीं ज़्यादा आसान उसको यूज करना है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री की जुगाड़ है, फ्री का ही दिमाग है, जिससे आप अपने घर के सामान से, वेस्ट सामान से कंपोस्ट बना सकते हैं। और कुछ कंपोस्ट हैं जो आप यूज भी करते होंगे, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ज़रूर इनके बारे में जानते होंगे, तो कुछ नए हैं तो जो नहीं जानते हैं वो भी इससे सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे इसे बनाना है और कैसे यूज करना है और क्या क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं इसमें। तो चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, जो पहली कंपोस्ट है ये किचन से निकली हुई वेस्ट, फल के छिलके, सब्जियों के छिलके या जो कुछ भी किचन वेस्ट निकलता है, इसमें चाय पत्ती भी चाहें तो आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा आपके गार्डन से निकली हुई वेस्ट, जो फूल हैं या सूखी पत्तियां हैं, जो कुछ भी आपको मिल जाए ड्राई मटेरियल उसको यूज कीजिए। देखिए, इसमें मैंने केले के छिलके डाले हैं, मैंने सूखी पत्तियां डाल रखी हैं, प्याज के छिलके हैं, तरबूज के छिलके हैं, तो जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाए, कहने का मतलब है सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद पानी में इसको करीब चार से पाँच दिन के लिए पूरी तरह से छोड़ दीजिए ढक के, और बीच बीच में एक आध बार आप इसको इस तरह से चलाते रहिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनके तैयार होगी आपके पौधों के लिए। और इसमें ये समझ लीजिए, पौधों की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, वो लगभग सभी इसमें, जिंक, बोरान, कार्बन, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। तो ये खाद बहुत ही अच्छी आपके पौधों के लिए है। तो पाँच दिन बाद जब ये खाद आपकी रेडी हो जाती है, इसमें से एक स्मेल सी आने लग जाती है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। इसे यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ कि ये आप किसी बर्तन में छान लीजिए इसे। ये देखिए, ये हमारी बाल्टी है जिसमें हम इसे छान लेंगे। इसको दोस्तों, इसके जो बेनिफिट्स हैं आपके गार्डन में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका दिखेगा। आप एक बार बना के यूज करें किसी भी पौधे में, किसी, चाहे वो सब्जी का पौधा हो या फल वाला पौधा हो, फूल का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें लगभग सभी ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स जो आप गार्डन में आपके पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। तो इसे हमने इस प्रकार से छान लिया है। और करना क्या है आपको कि जितना इसमें हमने ये लिक्विड कंपोस्ट लिया है, उतनी ही मात्रा में इसमें हमको पानी और मिलाना है। तो हमने चार मग छान रखा है लिक्विड कंपोस्ट, तो चार मग ही हम इसमें अलग से पानी ऐड कर देंगे। आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर है, दूधिया कलर आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो मैं चार तरह की लिक्विड कंपोस्ट आपको बता रहा हूं, तो सभी को एक साथ नहीं यूज करना है, करीब 10 से 12 दिन के गैप पे आप अलग अलग इनको बना के यूज करें। मैं जो बना के आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं इन्हें अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कंपोस्ट यूज कर रहा हूँ, एक साथ मैं एक प्लांट में दो कंपोस्ट कभी नहीं यूज करता हूँ। तो ये हमारी कंपोस्ट बन के रेडी हो गई है। इन्हें यूज करना बहुत ही आसान है, इसको ऐसे ही आप किसी अपने प्लांट में उसकी हल्की गुड़ाई करके उसमें दे सकते हैं। तो किसी भी पौधे में जिसमें आपको देना है, कंपोस्टिंग करनी है, उसमें इस तरह से रेडी हो गई है हमारी कंपोस्ट। ये इसे आप उसकी हल्की, पौधे की हल्की गुड़ाई करें और उसमें पौधे की, पॉट की साइज के हिसाब से एक मग या दो मग जिसे आप वाटरिंग करते हैं, इसे वैसे ही आपको उसमें देना है। तो अब दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने दूसरे कंपोस्ट की तरफ, जो कि है वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों ड्राई भी हम दे सकते हैं पौधों में, पर लिक्विड कंपोस्ट गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे दो फायदे होते हैं, पौधा कंपोस्ट की न्यूट्रिएंट्स जो हैं उन्हें जल्दी ग्रहण करता है, और जो उनकी रूट्स होती हैं, जो मिट्टी होती है, वो ठंडी होती है। तो गर्मियों में हमें कोशिश करनी होती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें लिक्विड कंपोस्ट ही देना होता है। तो इससे भी दोस्तों हमें क्या करना है, करीब
आधा किलो हमने वर्मी कंपोस्ट 2 लीटर पानी में भिगा के रखा हुआ है और 2 दिन बाद इसे हम यूज कर सकते हैं। तो आप भी जितनी मात्रा में आपको यूज करना हो उसके हिसाब से आप रेशियो देख लीजिए। आधा केजी हमने 2 लीटर पानी में भिगा के रखा हुआ है और इसे अभी हम आप छान लेंगे इस छन्नी की मदद से। ये देखिए दोस्तों, इसे हमने छान लिया है और इसको भी यूज करने का तरीका बिल्कुल वही पिछली कंपोस्ट की तरह है, बहुत ही आसान कि जितना हमने कंपोस्ट लिया है उतना ही हम इसमें नॉर्मल वाटर भी लेंगे। तो हमने करीब 3 मग लिया हुआ है कंपोस्ट, तो इसमें हम भर भर के 3 मग नॉर्मल वाटर ले लेंगे। तो ये देखिए, ये कंपोस्ट हमारी रेडी हो गई है यूज करने के लिए। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और इसको किसी भी पौधे में पूरी गर्मी आप अपने पौधों में अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग, चूँकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तो जो पौधों की ग्रोथ के लिए जो रूट्स होती हैं उनकी बूस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी ये कंपोस्ट है। तो इसे आप अपने, चाहे वो फूल का पौधा हो, फल का हो, सब्जी का हो, कोई भी पौधा हो, यहाँ तक कि आपके इंडोर प्लांट्स हैं उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी दूसरी कंपोस्ट तैयार हो गई और यूज के लिए हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी कंपोस्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारी तीसरी लिक्विड कंपोस्ट, गर्मियों में यूज करने के लिए बहुत ही उपयोगी, सरसों की खली की लिक्विड कंपोस्ट। दोस्तों, सरसों की खली इस तरह हमें ड्राई फॉर्म में मिलती है, तो इसे या तो हम पीस के बारीक यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से हमने लिक्विड कंपोस्ट बना के यूज करना है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं पहले से तो आपको पता होगा 100% की सरसों की खली गार्डनिंग में कितना उपयोगी है। पौधे की पूर्ण विकास के लिए सरसों की खली बहुत ही उपयोगी है। इसमें आपको बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो इसे यूज करना बहुत ही आवश्यक है अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 दिन से भिगा के रखा हुआ है सरसों खली और इसे अब हम, इसे बिना छाने भी यूज किया जा सकता है, पर जब बिना छाने हम यूज करते हैं तो उसमें फंगस लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। खैर, सरसों की खली का लिक्विड कंपोस्ट कैसे बनाएं, डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड है जिसमें फंगस फ्री लिक्विड कंपोस्ट, क्योंकि सरसों की खली जब भी हम यूज करते हैं तो मिट्टी में फंगस सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लग जाता है, तो फंगस फ्री लिक्विड कंपोस्ट सरसों की खली से कैसे बनाएं, चैनल पे डिटेल वीडियो अपलोड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे बनाना है कि फंगस ना लगे सरसों की खली से आपके गमलों में। तो इसे भी हम छान लेंगे और छानने के बाद जो ये मैं बताऊं दोस्तों, सभी कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर जो हमने फल और सब्जियों के छिलके से कंपोस्ट बनाई है, तो जो वेस्ट मटेरियल इसमें छानने के बाद से निकल रहा है इसे फेंकना नहीं है हमें। इसे आप अगर किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग करते हैं तो उस कंपोस्ट बिन में यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसे अपनी मिट्टी में भी, जो फलों के छिलके हैं उन्हें मिट्टी की एक लेयर निकाल के उसके नीचे दबा दीजिए, उसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल के फिर उसमें आप पौधे लगा लीजिए, या फिर जो वर्मी कंपोस्ट है बच रहा है, निकल रहा है छानने के बाद से, उसे आप मिट्टी में डायरेक्ट मिला लीजिए, तो उन्हें फेंकना नहीं है, उन्हें भी हमें यूज करना है। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसे सरसों की खली को छान ले रहे हैं। आप इसे बिना छाने भी डायरेक्ट गमलों में, पौधों में दे सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको करना क्या होगा कि मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। इसे बिना छाने भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको फंगिसाइड पाउडर देना होगा और उसकी, जैसे ही ये सूखे ऊपर हल्का हल्का फंगस अगर आपको दिखाई देने लग जाए तो उसकी गुड़ाई ज़रूर कर दें, ताकि जो फंगस है वो पनपने ना पाए, या फंगिसाइड पाउडर का यूज़ कर लें। तो इस प्रकार देखिए, और सरसों की खली दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसका जो कंपोस्ट बनके हम रेडी कर रहे हैं ये बहुत ही स्ट्रांग कंपोस्ट होती है, तो इसमें हमने इसका 3 से 4 गुना पानी ऐड करना होता है, नहीं तो फिर ये कंपोस्ट पौधों में ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे देगी, तो उससे भी पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा लिए, इतने कंपोस्ट में हमने इसका 4 गुना कम से कम पानी यूज करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये तैयार हो गई हमारी सरसों की खली की लिक्विड कंपोस्ट। अब इसे आप अपने किसी भी पौधे में, चाहे वो फल का हो, फूल का हो, सब्जी का हो, कोई
इंडोर प्लांट्स हो, तो सभी में आप इसे यूज कर सकते हैं और बहुत ही लाभकारी ये आपके पौधों के लिए होगा। दोस्तों इसे अब यूज कैसे करना है, सिंपल की इसे जिस पौधे में देना है उसकी गुड़ाई कीजिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं देना है। इसे हमें अगर 12 इंच का पॉट है तो इस प्रकार से आधा मग ही हमें उस पॉट में देना है। ये देखिए आधा मग ही उस पॉट में देना है, ऐसा नहीं कि हम उसमें एक मग या ज़्यादा दे दें, ज़्यादा मात्रा इसकी हमें नहीं यूज करनी है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने चौथे और लास्ट कंपोस्ट पर, जो कि है गाय के गोबर के कंडे की या उपले से बना हुआ कंपोस्ट। ये देख पा रहे हैं आप, इसे हमने भिगा के रख रखा था, दो कंडे हैं और एक लीटर पानी में हमने इसे दबा के भिगा के रख दिया था। तो दोस्तों गाय के कंडे से या उपले से आप कैसे शक्तिशाली एनपीके कंपोस्ट बनाएं बैलेंस्ड, वो चैनल पे अपलोड है, उसे भी आई साइड बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये तो सिर्फ आपको गाय की उपले से बना हुआ कंपोस्ट है। अगर आप एनपीके बेस्ड फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं अपने पौधों के लिए, जिसमें एनपीके बैलेंस हो, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, सभी चीज़ें बैलेंस मात्रा में हो, तो उसे आप चैनल पे जो वीडियो अपलोड है उसमें देख सकते हैं। ये अभी हम यूज कर रहे हैं गाय के कंडे से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट, जो कि गर्मियों में आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि करीब एक कंडा, हमें एक पूरा कंडा, कंडे की साइज़ आपके यहाँ अलग अलग हो सकती है, तो मैं दिखा दूँ आपको, इतना कंडा मैंने एक लीटर पानी में भिगा के रखा है और इस लिक्विड कंपोस्ट में हमने एक लीटर पानी ही और ऐड करना है। ज़्यादा मात्रा में पानी ऐड इसमें हमें और नहीं करना है, मतलब जितनी मात्रा में कंपोस्ट उतनी मात्रा में हमें वाटर ऐड करना है। और ये आपको रेडी टू यूज कंपोस्ट है, अब इसे आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने बैगन के पौधे में इस कंपोस्ट को दे रहा हूँ। और ये बैगन का पौधा दोस्तों मेरा पिछले साल का है, जो कि मैंने इसे प्रून करके दोबारा से हरा भरा किया हुआ है। देखिए कितना हरा है और कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ है। तो इसमें हम इस कंपोस्ट को देंगे। और देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप लिक्विड कंपोस्ट दें तो मिट्टी को पहले हल्की नम कर लें। अगर मिट्टी में नमी नहीं होगी तो जो भी कंपोस्ट हम देंगे ऊपर की ड्राई मिट्टी में ही रह जाएगी, पौधों की रूट्स तक नहीं पहुँचेगी। तो दोस्तों एक और चीज़ बताऊँ मैं कि जो कंपोस्ट हमें इसे देना है, ये आप इसका कोई नुकसान नहीं है, कम ज़्यादा अगर होती है किसी पौधे में तो कोई इससे आपको ड्रॉबैक नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये कंपोस्ट इस पौधे में दे दिया है और इसकी जो मिट्टी गीली होने की वजह से ये कंपोस्ट नीचे तक जाएगा और सभी रूट्स इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे ग्रहण करेंगे और पौधों को भेजेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार चार लिक्विड कंपोस्ट हमने बनाए हैं, जो आप पूरी गर्मियाँ अपने किसी भी पौधे में, चाहे वो फल फूल सब्जी किसी भी चीज़ का हो, उसमें आप यूज कर सकते हैं और इसका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।